बच्ची गुरुजी में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशंस के पैरंट नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एग्जामिनेशन, इसके बाद इंटरव्यू अलग होता है, यानी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं इसके एग्जामिनेशन की। नंबर 1 पर आता है प्रीलिम्स, नंबर 2 पर आता है मेंस और नंबर 3 पर आता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो मेंस पेपर होता है, मेंस में आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू। आईएएस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू तो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, कितना टफ माना जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के साथ इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती। तो प्लीज आंसर्स गलत मत कीजिए, गलत आंसर टिक मत कीजिए। अगर आप क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हैं तभी उस क्वेश्चन को आप ज्वाइन कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग से, 0.1 नेगेटिव मार्किंग से भी आपके रैंकिंग में काफी असर पड़ जाता है, लाखों रैंकिंग में असर पड़ता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल मत पड़िए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हैदराबाद की इन्फॉर्मेशन लेकर। हैदराबाद में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस करने के लिए, और उन्हीं लोगों के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो उन लोगों के लिए इस वीडियो को हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कुछ मिनट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस के लिए, अपने प्रिपरेशन को किस वे में आगे बढ़ाना है उसके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ। इससे पहले ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहाँ हमने हर टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जाना है, हर इंस्टीट्यूट की रैंकिंग वाइज हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ एक शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन भी दी है, सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं, एड्रेस भी दिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर भी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा अच्छा है प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूंगी इंडिविजुअल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको दी है इन डिटेल, जहाँ हमने जाना है हर इंस्टीट्यूट के बारे में। तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं हर इंस्टीट्यूट के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दी आईएएस मेंटोर्स की। दी आईएएस मेंटोर्स पूरे हैदराबाद में टॉप 10th सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के लिए। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे इसका स्टडीज मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इनके स्टडी मटेरियल के बेसिस पर आपकी प्रिपरेशन चलती है। स्टडी मटेरियल में आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, और इनकी जो फैकल्टीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड और सपोर्टिव है। यानी आपको वो कुछ इस वे में पढ़ाते हैं कि आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो। आपको पढ़ाने के लिए वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाते हैं, साथ के साथ वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। यानी उनको सब्जेक्ट की इतनी डीप नॉलेज है कि आपको कोई भी डाउट है तो वो तुरंत मिनटों में आपके ये डाउट सॉल्व करेंगे ही करेंगे। इसके बाद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं, बैच साइज इनका काफ़ी छोटा है, ताकि कम से कम बच्चों को ये अच्छे से समझा सके, पढ़ा सके, इंडिविजुअल अटेंशन दे सके बच्चों के ऊपर। इसके अलावा ये स्पेशियस क्लासरूम के साथ साथ आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जहां आप बैठ करके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में शांति से पढ़ाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी एक टीम बना सकते हैं, जहां प्रॉपर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो सकता है, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपके साथ जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपको पता लगे कि दूसरे बच्चे भी किस तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं,
जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं ये इंस्टीट्यूट कितना ज्यादा अच्छा है, रिजल्ट इनका बहुत ज्यादा अच्छा है। कई सारे बच्चे इसके इस इंस्टीट्यूट से पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपने